फिर डॉक्टर सत्संगी ट्यूटोरियल्स, और इन सभी ट्यूटोरियल्स में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो मेडिकल अंडरस्टैंडिंग रखें. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमन इलनेस में वो अपने लिए खुद की मेडिसिन और खुद का डायरेक्शन देखें, इसके बाद वो डॉक्टर से मिलने जाएं. और कभी कभी अनायास हम डॉक्टरों के पास जाकर बहुत सारी ड्रग्स नहीं खा लेते हैं, तो ये आपके लिए भी सेफ है. तो आप इन सभी ट्यूटोरियल्स में पहली बार अगर आए तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए ट्यूटोरियल्स लाऊंगा. आज मैं क्रॉनिक रिनल फेलियर्स या किडनी की बीमारियों के बारे में बात करूंगा. ये बात एक आपको बेसिक जानकारी देगी कि मेडिकल साइंस इसको कैसे लेती है, क्या कारण होते हैं और क्या लेटेस्ट ड्रग्स हैं और क्या स्कोप है इसको होम्योपैथिक मेडिसिन में या होम्योपैथी में किस तरीके से इसको हम डील करते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को किस तरीके से अपनी बीमारी को लेना चाहिए, क्या वो दवाइयों के बिना भी अपने को ठीक कर सकता है. इन सबके ऊपर इनडायरेक्ट प्रकाश जाएगा, इसलिए आप आखिर तक बने रहें. देखिए फ्रेंड्स, सीकेडी या क्रॉनिक रेनल फेलियर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए किडनी की बीमारियों के आयाम हैं. कहीं ना कहीं जब भी किडनी धीरे धीरे इन्वॉल्व होती है पेशेंट को, जिसको मैं स्पेशली क्रॉनिक की बात कर रहा हूँ, एक्यूट या इमीडिएट फेलियर पेशेंट को 6 महीने के अंदर हो गया, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं क्रॉनिक रेनल फेलियर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें लंबे समय से ये बीमारी धीरे धीरे चल रही होती है. इसको रोका और प्रिवेंट किया जा सकता है शुरुआत में अगर सेकेंडरी रीजंस दिख जाए, या इसको रिटार्ट किया जा सकता है, या अल्टीमेटली जब किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को छान नहीं पाती है तो आपको केमिकल डायलिसिस करना पड़ता है या एक्सटर्नल डायलिसिस करना पड़ता है. और किडनी ट्रांसप्लांट आजकल काफी कॉमन है. उसके साथ किडनी खराब होने के बाद भी पेशेंट लगभग 5 से लेकर 15 साल तक जी सकता है, डिपेंड करता है क्या स्थिति है. बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से काफी कम हो चुकी होती है, बिकॉज ड्रग डिपेंडेंसी बढ़ती है, अपॉर्चुनिस्टिक वायरल इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन की दरें बढ़ सकती हैं. सो फ्रेंड्स, ऐसा ना हो इसलिए हमें इस बीमारी के बारे में जानना चाहिए, और फैमिली में अगर किसी को है तो उनको उनके साथ साझा करना चाहिए. तो सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक रेनल फेलियर CRF जिसको हम कहते हैं, वो एंड स्टेज रेनल डिजीज, मतलब जब किडनी बिल्कुल खराब हो जाए, पेशेंट की डेथ बेड पे आ जाए, ऐसी स्थिति तक जाने में उसको काफी वक्त लगता है, इसलिए इसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं. और इसके दौरान जो जो मेडिकल फीचर्स निकल के आते हैं जो पेशेंट की बीमारी का सबब बनते हैं, उनको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंतर्गत देखते हैं. सो पेशेंट्स में क्या क्या निकल सकता है, देखिए उसकी बॉडी में एडिमा या स्वेलिंग रहती है, आंखों के चारों तरफ सुबह की उसको स्वेलिंग होगी और दिन भर में उसके पैरों में भी स्वेलिंग होगी. तो ऐसी स्थिति में रात सोने पे सुबह पैरों में स्वेलिंग कम होगी, कंपेटिवली आंखों और मुंह पे स्वेलिंग ज्यादा रहेगी, लेकिन दिन भर में शाम तक पैरों में स्वेलिंग होगी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नंबर 2, नौशिया वोमिटिंग, क्रैम्स, बॉडी में जगह जगह दर्द होना, हड्डियां कमजोर पड़ना, रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते हैं इसको मेडिकली, मतलब हड्डियों में पेन होगा, जगह जगह पेन होगा. धीरे धीरे करके पेशेंट को थकान और कमजोरी आती है, और आगे बढ़ने पे रेनल एसिडोसिस के कारण वो अपना थ॔ट प्रोसेस भी उसका मिस हो सकता है, क्रिएटिनिन BUN के बढ़ने पे वो कोमा में जा सकता है. तो ये सब चीज़ें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आती है. सबको ये स्टेज नहीं आती, क्योंकि ऐसी स्टेज को हम सीवियर टू मेजर रेनल फेलियर कहते हैं, इसको हम 4 या 5 स्टेज कहते हैं. 4th और 5th स्टेज में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से ही मिलना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो मेजर्स होते हैं वो मेजर मेजर्स होते हैं, लाइक मेजर डायलिसिस फॉलोड बाय किडनी ट्रांसप्लांट. लेकिन इससे पहले की जो स्टेज होती है उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, आपका नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग डिजीज और अपने थॉट प्रोसेस में और अपने लाइफस्टाइल में आप क्या बदलाव कर सकते हैं, और कुछ केसेस में तो सेकेंडरी रीजंस पता चलने पे आप रिकवर भी कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से सुनिए आखिरी तक, और कुछ चीजें हमको नोट करिएगा. नंबर 1, सीकेडी या क्रॉनिक रेनल डिजीज के पीछे ज्यादातर सेकेंडरी रीजंस होते हैं. 50% केसेस में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड पेशेंट को बहुत है, या किडनी स्टोन से बने हुए रुके हुए हैं, स्टोन्स के कारण वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्सेस है, या प्रोस्टेट किसी पेशेंट का बहुत बड़ा हुआ, उसमें भी इन्फेक्शन या उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रिफ्लेक्सेस पीछे की तरफ पेशाब वापस किडनी में भेज रहे हैं जिससे इन्फेक्शन हो, या हार्ट की बीमारी के कारण जो प्री रेनल परफ्यूजन है ब्लड का वो कम होने के कारण किडनी खराब हो रही है, रेनल स्टेनोसिस मतलब रेनल आर्टरी जो खून दे रही है उसको वो कहीं से दब गई है, तो ऐसी स्थिति में भी रेनल में लीजन्स आने लगते हैं. इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं. पैथोजेनेसिस में स्पेशली बायोप्सी के दौरान ये दिख जाता है कि लीजन क्या, किडनी का MD का केस है, मिनिमल लीजन का केस है, या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का केस है, या ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का केस है, और अलग अलग जो भी डायग्नोसिस उसके हिसाब से उनकी फ्यूचर और उनका प्रोग्नोसिस क्या होती है वो डॉक्टर डिसाइड करता है. लेकिन ये मेडिकल ट्रीटमेंट से कम संबंधित होते हैं, डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फ्रेंड्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर है, या किडनी स्टोन्स है, तो उसको हल्के समझते हैं, जिसको रिकवर करिए जो भी आप ड्रग्स लेना चाहते हैं.
नंबर टू, अगर आपके लाइफ में बहुत मेजर स्ट्रेस चल रहे हैं तो यस, लाइफ में स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जीना इम्पॉर्टेंट है. लाइफ, टू लिव लाइफ वेल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टू लिव विद द क्वालिटी वॉट यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेस नहीं लें उस क्वालिटी को इकट्ठा करने के लिए. रिलैक्स करें, स्पेशली विजडम अपना डेवलप करें, योग करें, जिसमें स्पेशली प्राणायाम आपकी लाइफ को बदल सकता है. और क्या होता है किडनी डिसऑर्डर्स में, किडनी डिसऑर्डर्स में जब किडनी धीरे धीरे खराब होती है तो उसको हम अब 4 या 5 लेवल पे देखते हैं. ग्रेड 1 मतलब हो के हम क्या आयाम होते हैं जिससे पता चलता है हमें किडनी खराब है. तो सबसे पहला आयाम होता है उसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये एक एस्टिमेटेड किडनी के छानने की कैपेसिटी बताता है. किडनी में 2 यूनिट आपको जानना इंपॉर्टेंट है और हम सब मेडिकल डॉक्टर्स को जानना इंपॉर्टेंट है. एक होता है ग्लोमेरुलाइट, ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं किडनी में जो कि खून में से बहुत सारी चीज़ें निकालती हैं, बहुत सारी चीज़ों को वापस संभाल के रखती हैं जिससे कि आपकी हेल्थ बफर बॉडी में केमिकल बफर्स बने रहें. और दूसरी यूनिट होती है इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल्स. किडनी के ग्लोमेरुलस के अलावा भी जो इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल्स, यहाँ से खून आ रहा जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है. दोनों यूनिट जब डिस्टर्ब होती हैं तो बीमारी पैदा होती है. तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये दोनों ही लीजन्स आपकी किडनी को कम करते हैं. अल्ट्रासोनोग्राफी MRI की जाए तो हम देखते हैं कि फाइब्रोसिस की संख्या बढ़ गई, किडनी थोड़ी सी स्क्लेरोस्ट है, थोड़ी छोटी हुई है, कहीं कहीं वो हाइपरट्रॉफी है. तो इट्स अ लीजन ऑफ मिक्स्ड फाइब्रोसिस. इनको देखने के बाद ये पता चल जाता है कि पेशेंट किस स्टेज पे है. उसमें एक सबसे आसान तरीका है GFR को चेक करना. अगर किसी पेशेंट का GFR 90 के ऊपर है तो ज़्यादा उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, 100 के आसपास है, उसके ऊपर है. लेकिन अगर उसको लगभग 69 से लेकर 90 के बीच में है तो माइल्ड. लेकिन पेशेंट का नंबर 3, जिसमें ए और बी दो कैटेगरीज हैं, उसमें अगर किसी पेशेंट का 45 से 69 के बीच में है तो यस, 3A है, माइल्ड टू मॉडरेट है. 3B जिसमें लगभग 45, जिसमें लगभग 29 से लेकर 45 के बीच में, इसको हम 3B कहते हैं. ये टेंशन की बात होती है बिकॉज इट्स कॉल्ड मॉडरेट टू सीवियर, सो मॉडरेट बोलते हैं इसको. स्टिल ये भी ट्रीटेबल है. इसके नीचे हम आते हैं 4th ग्रेड पे, तो उसमें ज़्यादातर 15 और 29 के बीच में रहता है GFR, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. और इसके भी नीचे जब होता है, 15 के भी नीचे चले जाए, तो उसको सीवियर कहते हैं. उसमें आपको इमीजिएटली डायलिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि रेटिनाइन और बाकी सब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं. आपका दिखना कम हो जाता है, आपको 3-4 थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स आ चुके होते हैं. तो मैं यहाँ पे 2 और 3A और थोड़ा सा 3B के बारे में बात करूंगा. 2 और 3A, इनमें अगर कोई सेकेंडरी फैक्टर्स नहीं है, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया है, लेबोरेटरी क्लिनिकल टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी में ऐसा कुछ विशेष नहीं दिखा है, फॉस्फेट पेशेंट का बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, फॉस्फेट थोड़ा सा रेस्ड है, सोडियम क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब है पेशेंट के, तो ये एक इंपॉर्टेंट मार्कर है. और इनके ऊपर ही मेडिसिन डॉक्टर्स डायग्नोज करके देता है. बहुत सारी लेटेस्ट लाइन ऑफ एक्शन आई है जिसमें SGLT2 इनहिबिटर्स है, ACE इनहिबिटर्स है, ARB. SGLT2 इनहिबिटर्स तो किडनी के लिए स्पेशली अभी लेटेस्ट FDA ने अप्रूव किया है इसको. लेकिन बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि किडनी को प्रोटेक्टिव फंक्शन एक्शन देती हैं और ब्लड प्रेशर के लिए स्पेशली दी जाती है. उनमें से ARB इम्पॉर्टेंट हैं और ACE इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं. ये सभी मिलाकर या अलग अलग डॉक्टर्स देता है. डायबिटिक्स वाटर पिल्स जिसको हम कहते हैं, ओवरऑल ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम हो सकता है. ये सब मेडिकल सलाह के अंतर्गत डॉक्टर्स देते हैं जिससे ये मैनेज की जा सकती है. लेकिन टॉकिंग अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका क्या रोल होता है? देखिए, ज़्यादा पेशेंट की जब केस खराब हो जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता है, उसने एलोपैथिक सब ड्रग्स ले लिए और डॉक्टर ने कहा कि भाई अब आप इसमें ट्रीटमेंट लीजिए और कोई तरीका आपका दिख नहीं रहा, आपको किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो भाई ऐसे केस में अगर आप होम्योपैथी में आते हैं तो हम पैलिएशन मतलब आपको थोड़ा बहुत जीवन दे सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. ऑर्गेनिक लीजन्स मतलब बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं टिश्यूज़ में, तो उसमें मेडिकल प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स और होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि नेचुरली आपकी बॉडी को अलाइन करती हैं और जड़ से ठीक करती हैं, वो इन लीजन्स जो जड़ के बाद बने हैं उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, अगर आप 2 का केस हैं और 3A का केस है या 3B की तरफ जा रहे हैं, तो उस स्थिति में कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स हैं जो कि क्रिएटिनिन को बेहतर करती हैं. उनमें से ड्रग्स की जो सिलेक्शंस होती हैं वो 3-4 इंडिकेशन पे हो सकती है. फॉस्फोरस पेशेंट का हाई है, कैलीमिया हाइपरकैलीमिया पेशेंट को पोटेशियम उसका हाई है, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम बाइंडिंग्स के रूप में वो बायोटोनिक सॉल्ट्स ले सकता है जो कि पोटेशियम को कम करती हैं.
आप मान के चलिए काली फॉस, काली सल्फ, ये दोनों ड्रग्स कैलियम दैट मीन्स पोटेशियम से जुड़ी हुई मेटाबॉलिज्म को ये रियलाइन कर सकती हैं बॉडी के होमियोस्टेसिस में। और इसके अलावा अगर फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली फॉस्फोरस डाइल्यूशंस में एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, काली फॉस बहुत अच्छी मानी जाती है इन केसेस में। पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आर्टिका यूरेंस और आर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर्स, कॉल्चिकम और भी बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि इसको इंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट का हाइपरडिस्ट्रॉफी है, उसको कैल्शियम उसके बॉडी में हाइपोकैल्शियम की तरफ जा रहा है, हीमोग्लोबिन उसका कम हो रहा है क्योंकि इरेथ्रोपोइसिस होती है वो भी इसमें अफेक्टेड होती है, तो एरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने से भी इसके सिम्टम्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स को मैनेज किया जा सकता है कुछ हद तक। पेशेंट को सांस की दिक्कत और कमजोरी को कम किया जा सकता है नेचुरली। इसमें फेरम फॉस एक्सेक्स, फेरम मेटालिकम, पस्टिला, सेमीसिफिवा, कैल्क्रिया का एसिड फॉस्फोरिकम, ये ड्रग्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। थूजा एपिस मेलिफिका ये भी वर्क करती हैं। पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, BUN बढ़ा हुआ है, तो क्रिएटिनिन कम करने के लिए आल सेरम 7X ये एक इंडिकेटेड ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन है। ऑर्गेनोपैथिक मतलब जो फाइंडिंग्स हमें ऑर्गेन या फिजियोलॉजी में दिख रही है उस पर इंडिकेटेड सिमिलिमम। सो मैं जो सैनाजिस्टिक कॉम्बिनेशन देता हूँ उसमें जाता है क्लिनिकल सिमिलिमम, ऑर्गेनोपैथिक सिमिलिमम, फिजियोलॉजिक सिमिलिमम जो कि बायोमार्कर से ड्राइव करते हैं, और चौथा उसके टेम्परमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जुड़ी मेडिसिन जो कि डोजिंग के साथ दी जाती हैं। तो इनमें मेजर जो मेडिसिन सिमिलिमम में बन के आती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनती हैं जाते हैं इन केसेस में थूजा अगर पेशेंट साइकोटिक मेजम का है, सिरेटिक मेजम का है तो उस केस में हाई डाइल्यूशंस ऑफ आर्सेनिक, देखिए ये नेचुरल आर्सेनिक नहीं है जो कि किडनी डैमेज करता है, इट इज़ अ डाइल्यूशन ऑफ आर्सेनिक विच डू नॉट हैव केमिकल सिंबल एटम इन इट्स बट इट इज एन एक्शन ऑफ द सिंबल एज ए पार्ट ऑफ इट्स वेटेलिटी। तो ये ड्रग कैल्क्रिया काप, एसिड फॉस्फोरिकम, ये तीनों ही ड्रग्स अगर सिरेटिक मेजम एक्टिव है, सोरिक और साइकोटिक है तो कार्सिनोसिन, तीनों मेयर्स में एक्टिव है तो कार्सिनोसिन अगेन एंड देन लाइकोपोडियम इज वन ऑफ द बेस्ट शीट एंकर्स। इसके अलावा काली सल्फ, काली फॉस, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, काली फॉस्फोरिक, सलिशिया 6X टू सर्टेन एक्सटेंट, मैग्नीशिया फॉस एक्सलेंट मेडिसिन है जो पेशेंट को लॉन्ग टर्म पे हेल्प कर सकती है। कैल्क्रिया फॉस में अगर हम कुछ इंडिकेटेड ड्रग्स दें जैसे कि एपिस मेलिफिका, रस्ट्रक साटी, डलगामेरा, सरसपारेला, टेरबेंथीना, अगर पेशेंट को किडनी के इन्फेक्शन रहे हैं और उसके कारण उसकी किडनी डिस्टर्ब हुई है तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे आल सेरम मैंने आपको बताया था उसी तरह से मदर टिंचर्स होते हैं क्योंकि ग्रेड 1 ग्रेड 2 के डिजीज में बहुत अच्छे कारगर पाए जाते हैं, वो बर्बेरिस वल्गैरिस है। इसके अलावा कॉनवेलेरिया अगर हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट पेशेंट को है, तूजा के मदर टिंचर, ऑसमम सैंक्टम ऑफ कैनम मतलब तुलसी मैया की जो दवाई बनती है तुलसी जी की वो वन ऑफ द बेस्ट है, अल्फा अल्फा जिनसेंग, ये सबके कॉम्बिनेशन भी आपको हेल्प करते हैं। तो बायोकेमिक ड्रग्स, डाइल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल, डाइल्यूशन ऑर्गेनोपैथिक एंड देन ऑर्गेनोपैथिक मदर टिंचर्स, ये आपको बहुत हेल्प करती है। इनमें मिनिमम केमिकल्स रहते हैं जिनका कोई केमिकल एक्शन ना होकर ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको एक्टिवेट करती है, आपकी होमियोस्टेसिस को इंश्योर करती है कि वो जो अपना ब्लूप्रिंट मिस किया था उस ब्लूप्रिंट को वो वापस एक्टिवेट करें। और इसको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ दवाई का स्टिमुलस नहीं, इसके अलावा आपको उसका अलाइनमेंट चाहिए होता है। अलाइनमेंट के लिए जो की होती है प्री डिस्पोजिशन आपका जो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए और स्ट्रांग हो जाए, हाइयर ससेप्टेबिलिटी या तो आपके अंदर है और हमने कॉन्स्टिट्यूशन दी तो वो रामबाड़ का काम करेगी, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल पा रही है तो आपकी बॉडी की ससेप्टेबिलिटी को ट्यूनअप करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए योगा में तीनों प्राणासन इंपॉर्टेंट है, कपाल भ्रस्ति का भी इंपॉर्टेंट है, कपाल भाति हो, अनुलोम विलोम, सूर्य वेदन, चंद्र वेदन दोनों सेपरेट किया जा सकता है, उनको भी करना चाहिए। इसके अलावा वृक्षासन दोनों में करना चाहिए, बीज मंत्र का उच्चारण या अलाइनमेंट आपकी स्ट्रांग करता है। डोंट फॉरगेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर दैट दिस विल हेल्प द पेशेंट इन लॉन्ग रन। और अगर पेशेंट को कोई मिनिमल लीजन्स दिखते हैं सामने और एंड स्टेज है तो हम पैलेशन दे सकते हैं, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है अगर पेशेंट की रिक्वेस्ट हो, बाय चॉइस एंड रिक्वेस्ट वी कैन गिव विद आवर बेस्ट इंटेंशन। डिस्क्लेमर यही है कि जो भी ड्रग्स है ये आपके एजुकेशन के लिए मैं दे रहा हूँ कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन में, और ये बीमारी क्या होती है ये आपके जानकारी के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है ये आपके अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप इन मेडिसिन को लेकर शुरू कर दें, दिस यू रिक्वायर्स अ मेडिकल सपोर्ट। इवन एक साधारण न्यूली पास अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उसको भी वो सोच समझ के इन केसेस को लेना चाहिए, इनके बायोमार्कर्स को समझना चाहिए जो कि क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, भाई क्रिएटिनिन और BUN तो इंपॉर्टेंट है देखना, नहीं तो चक्कर ही आ जाएगा पेशेंट को, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्ट्रामोनियम की या ये किसी ओपियम डाइल्यूशंस की
डिल्यूजन्स आ रहे हैं पेशेंट को, हेलुसिनेशंस आ रहे हैं कि एक्चुअली में उसका यूएन बढ़ा हुआ है। सो ये पेशेंट को समझना एक डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा पोटेशियम और बायोमार्कर्स के रूप में पोटेशियम कैल्शियम इनको देखकर वो ग्रेड टू के केस को भी इन बायोकेमिक के इंडिकेशन और ऑर्गेनोपैथी के साथ मैनेज कर सकता है, लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंस रोक सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत से पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑन नेट मिलेंगे, डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे होंगे, डॉक्टर्स ने इनको ठीक किया है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स और डॉक्टर्स के अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने इसको सेकेंड जनरेट थेरापेटिक्स में बायोमार्किंग और श्योर शॉट कॉम्बिनेशन और ऑर्गेनोपैथिक जो कि क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम आसानी से समझ सकते हैं, उनको हम बेडसाइड पे दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी केसेस में जिसमें ये पेशेंट को सीकेडी है, डाइट का एक मेजर रोल होता है, क्योंकि यूरिक एसिड के बढ़ने से और डाइट में स्पेशली किडनी के डैमेज होने पे यह बीमारी बढ़ जाती है। बहुत से लोग प्रोटीन आजकल खाते हैं और अब डाइट को लॉस करते हैं और मोटापा गेन कर लेते हैं, फिर उसको कम करते हैं। ये सभी किडनी डिजीज और किडनी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम को एग्जेजरेट कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है, टेम्पररी फिजियोलॉजिकल एंड देन परमानेंट ड्यू टू ऑर्गेनिक लीजन। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी काम ना करें जो आज के दौर पे आपको फैशन लगता है, बट डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। आप एक्सेस प्रोटीन नहीं खाए अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, डू नॉट टेक एक्सेसिव प्रोटीन, टेक अ नॉर्मल प्रोटीन इन अ डाइट। लगभग हर एक ग्राम में 0.75 टू मैक्सिमम 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। तो 60 से 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन, एक गिलास दूध में लगभग 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, एक मुट्ठी चने में 20 से 25 ग्राम सेकेंडरी प्रोटीन होता है। ऐसे आपके खाने में हो जाता है प्रोटीन, आपको अलग से प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब किडनी डैमेज करती है। आज की डेट में ड्रग्स किडनी बहुत ज्यादा डैमेज करती पाई गई, क्योंकि हम बहुत इजीली ड्रग्स ले रहे हैं और मेडिकल साइंस के अस्पताल हर जगह खुल रहे हैं, ये अस्पताल बचा रहे हैं जान, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को जन्म भी दे रहे हैं, उनको हम आइट्रोजेनिक फैक्टर कहते हैं। ये बात बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ये मेडिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। इसका मेरे डिस्क्लेमर ये है कि मेरे प्रोफेशन से इसका कोई जुड़ाव नहीं, ये मेरा एक अपना नया व्यू है। आप एस्पिरिन ले रहे हैं, आप जितना भी बोल दें कि नहीं लेना है, लेकिन अगर आप पेन के लिए वो दवाई बना रहे हैं और मार्केट में उपलब्ध है, तो पेशेंट तो लेगा ही ना पेन पे, वो जल्दी से सर्दी खांसी खत्म होने के लिए जाता है किसी दुकान पे और वहाँ पे पेन किलर्स ले लेता है, एंटीबायोटिक्स ले लेता है। इन सब को लेने से होता क्या है, होता ये है कि आपके किडनी फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं यंग एज में, आपको पता भी नहीं है, आइट्रोजेनिक फैक्टर और ड्रग इंड्यूस्ड है। तो ये हो रहे हैं एस्पिरिन, ब्रूफेन, कभी कभी पेन हो रहा है, आर्थराइटिस है और आपके डॉक्टर ने आपको पेन किलर्स दिए हुए हैं, उसने आपको कोई और वैकल्पिक चिकित्सा जिस पर उसको विश्वास नहीं है, लेकिन उसने ऑन अ वेलफेयर मोड बताया कि भाई आप जाकर देखिए अगर उसमें आपको आराम मिल सकता है, और फिर अल्टीमेटली SOS के रूप में पेन किलर्स देना चाहिए, स्टेराइड देना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर इंटीग्रेटिव मेडिसिन की स्टडीज नहीं हो पा रही है, तो उसके अभाव में वो आपको अपनी ड्रग्स और अपने अस्पताल के बारे में बताता है। अल्टीमेटली पेशेंट को यहाँ पे लॉस होता है। तो तीनों मेडिसिन में कब क्या देना चाहिए डॉक्टर को जानना चाहिए, और एक्सेस ड्रग्स मत खाइए आप, आपको पता भी नहीं कि आप एक निमोसिलाइड खाते हैं और वो क्या क्या बॉडी में एक्शंस फ्यूचर में प्रोड्यूस कर सकती है। तो आज के डेट में किडनी के फेलियर्स और किडनी की बीमारियां बहुत कॉमन है, बार बार रिपोर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको ये सब तकलीफें हो रही हैं, वोमिटिंग, खाना खत्म हो रहा है, बॉडी का वेट लॉस हो रहा है, पेन बहुत हो रहा है, फूल रही जगह जगह बॉडी, आंखों में दिखना कम हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि पैर सूज गए हैं बिल्कुल, खुजली हो रही है बॉडी में, तो ये हाई टाइम है कि आपको अपनी पूरी रिपोर्ट्स करना चाहिए, स्पेशली किडनी के फंक्शंस करना चाहिए जिसको हम रेनल फंक्शंस कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और BUN, क्रिएटिनिन, EGFR जो कैलकुलेटेड होता है वो LFT करना चाहिए और अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेनी चाहिए अगर आवश्यक होता है इन सबसे, और CRP करना चाहिए। इन सबसे हमें पता चल जाता है डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं और क्या पेशेंट की किडनी वाकई में डैमेज है, बिकॉज किडनी बहुत मजबूत ऑर्गन है, बहुत साल लेता है खराब होने में अगर हम लगातार इसको डिशों में तब इसको खराब करते रहें। सो कंपनसेशन स्टेज इज वेरी लॉन्ग, नेचुरल किसी आदमी का 90 के ऊपर है तो वो डिकम्पनसेशन मतलब कम होने पे इट मे टेक फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स। फ्यू मंथ्स ड्रग्स आप ले रहे हैं, बहुत अल्कोहल पी रहे हैं, सिगरेट सुबह शाम पी रहे हैं और पेन किलर्स खा रहे हैं, एक के ऊपर एक आप एलोपैथिक ड्रग्स खा रहे हैं, तो कुछ महीने में हो जाएगा। लेकिन आप सात्विक हैं, योगा करते हैं, व्यविचार कम कर रहे हैं, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट कम है आपका लाइफ में, शांति से आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो रोका जा सकता है। समय के साथ लीजन्स का प्रोग्रेशन स्लो होता है। सो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि नेचुरल मेडिसिन Grade 2, Grade 1 में प्रिवेंटिव के रूप में, Grade 3 में, Grade 3B में पार्शली, 4, 5 इज बेटर यू टेक केयर विद द
स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो हाथ से केस जा रहा होता है, फिर भी कुछ ड्रग्स आपको पैलिएट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको देखा और आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, और इन चीज़ों को मैंने एक सिर्फ छोटा सा आयाम दिया है, क्योंकि किडनी डिसऑर्डर्स में ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, हड्डियों का इन्वॉल्वमेंट, प्री किडनी बीमारियां जो उसको इन्वॉल्व करती हैं, हार्ट और जो परफ्यूजन कम करती हैं खून का, पोस्ट जो किडनी के बाद होती हैं, किडनी के अंदर इंटरस्टिशियल, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें बोलने के लिए, लेकिन हर कुछ मेडिकल है तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन पेशेंट के रूप में आपको जानना चाहिए कि किडनी बीमारी धीरे धीरे जाकर खत्म होती है, आपकी किडनी खराब करती है। कंपनसेशन मतलब आपकी किडनी अगर हेल्दी है तो वो बहुत वक्त लेती है कि अनहेल्दी हो, फिर भी हम उसको अब्यूज़ करते रहते हैं। और आज की डेट में ड्रग्स चाहे वो आपको अच्छी लगे बुरी लगे, आपकी बेस्ट स्पेशलिस्ट ने दिए, विदेशी अस्पताल ने दिए, एम्स ने दिए, अगर ड्रग्स आप ले रहे हैं और अगर उनमें से किसी ड्रग्स ने किक कर दिया तो आपकी किडनी के लीजन शुरू हो जाते हैं, तो एट्रोजेनिक एक मेजर फैक्टर है। लेकिन किडनी की बीमारी किसी और कारण अगर हो गई है तो सेकेंडरी लीजन्स के लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना होगा, या आपके और डॉक्टर के बीच में होता है कि आप वैकल्पिक चिकित्सा में योगा होम्योपैथी किस तरीके से ऐड करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन सभी बीमारियों को जिस तरीके से आती है इनमें बहुत कुछ किया जा सकता है और भी बहुत कुछ करा जा सकता है विद द लेटेस्ट ऑफ द रिसर्च इन CCRH, में बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंतर्गत नीति आयोग को बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। लेट ऑल डॉक्टर्स विद एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, दे शुड बी इक्वली ट्रेंड एंड दे शुड कीप ऑन एक्सचेंजिंग व्यूज अबाउट देयर मेडिसिन इन ऑल दीज एंड स्टेज डिसऑर्डर्स, जो मतलब पेशेंट को खत्म करते मारते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हम अब तो किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, अब तो हम डायलिसिस कर देंगे, हमें सोचना चाहिए कि पेशेंट की लाइफ को कैसे हम बचा सकते हैं, वो किस तरीके से अपने समाज में बेहतर तरीके से जी पाए। अगर कोई और तरीका है तो हमें वहाँ पर उसको रिकमेंड करना चाहिए, या हमें अपने सपोर्ट के साथ वहाँ की भी दवाई लेनी चाहिए। बहुत ही मुश्किल केसेस में, बिल्कुल 1% केसेस में डायलिसिस तक जाने की आवश्यकता पड़ती है ट्रांसप्लांट, बाकी सब केस में आप लोग मिलकर काम करें। और इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज द फ्यूचर ऑफ मेडिकल साइंस, नीति आयोग ने 100% कदम सही उठाए हुए हैं, बट डॉक्टर हैज टू वर्क वेरी हार्ड विद द क्लिनिकल साइंसेज, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। माय बेस्ट विशेस टू ऑल न्यू डॉक्टर्स हु आर लिसनिंग टू इट एंड ऑल द ऑल व्यूअर्स, अगर आपने इसको सुना है, शेयर द इन्फॉर्मेशन टू मेनी पीपल बिकॉज दे आर नॉट बीइंग अपराइज विद द नेचुरल मेडिसिन एंड होम्योपैथी प्रोटोकॉल्स फॉर सच मेजर कंडीशंस, तो आप इसको शेयर करें समाज में, और आप अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।